नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक चिंतकों की हमारी चर्चा के क्रम में आज का हमारा चर्चा का विषय है TH ग्रीन। TH ग्रीन एक इंग्लैंड के राजनीतिक विचारक थे। उनका जीवन काल जो है 1836 से 1882 तक रहा, और यॉर्कशायर नाम की जगह है इंग्लैंड में, वहाँ के एक पादरी परिवार में इनका जन्म हुआ था। ग्रीन के जो राजनीतिक विचार हैं वो इनकी मुख्यतः चार पांच पुस्तकें हैं, उनमें परिलक्षित होते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है वो है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, या राजनीतिक बाध्यता के सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है इनकी, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इनकी जब मृत्यु हो गई थी 1882 में, उसके बाद ये 1883 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। हालांकि ये इन्होंने लिख दी थी करीब 1879 1880s के आसपास, लेकिन प्रकाशन जो है इनकी मृत्यु के बाद ही हो पाया। फिर इसके बाद नीति शास्त्र पर आधारित एक इनकी पुस्तक है, प्रोलेगोमेना टू इथिक्स, लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन, लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, में ये है जो है समझौते की आज़ादी या उदारवादी विचारों की व्याख्या करते हैं। लेकिन इनकी जो मुख्य पुस्तक है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। ग्रीन के मुख्य राजनीतिक सिद्धांत इसी पुस्तक से लिए गए हैं। ग्रीन की राजनीतिक विचारों की यदि हम बात करें तो ग्रीन जो है दो विरोधी विचारधाराएं इनसे से, एक तो उदारवाद, आधुनिक युग में ये है पैदा हुई उदारवाद, और एक पहले से चली आ रही थी विचारधारा जो थी आदर्शवाद। उदारवाद में इंग्लैंड के चिंतकों का प्रभाव था, और आदर्शवाद में ग्रीक एज में प्लेटो, अरस्तु इत्यादि का, और जो आधुनिक युग में था उसमें कांट, हीगल जैसे जर्मन जो दार्शनिक थे, जर्मनी का प्रभाव था। तो ग्रीन के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों का कॉकटेल था, दोनों का मिश्रण था, यानी ये मूल रूप में उदारवादी है। ये क्या है, मूल रूप में तो उदारवादी है, लेकिन कहीं कहीं फिर इसमें आदर्शवाद का भी पुट पाया जाता है। मूल रूप में उदारवाद है, लेकिन इस पर जो है आदर्शवाद का भी प्रभाव है। हीगल को एक नाम भी दिया जाता है, एक उपनाम भी दिया जाता है, इसे कहते हैं नव हीगलवादी, सॉरी ग्रीन को नव हीगलवादी कहा जाता है। हीगल जो है आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा, जर्मनी के एक राजनीतिक विचारक थे। हीगल के विचार में राज्य प्रधान है, व्यक्ति को कहें कि बिल्कुल भी व्यक्तिवादी विचार हीगल के नहीं हैं, वो सिर्फ राज्य की प्रधानता की बात करता है और कहता है कि व्यक्ति का हित ही राज्य ही अच्छे तरीके से जानता है और हर हाल में राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन इन विचारों में ग्रीन संशोधन करते हैं, उदारवाद में भी संशोधन करते हैं, आदर्शवाद में भी संशोधन करते हैं, दोनों में ये जो है अपने संशोधन प्रस्तुत करते हैं। इंग्लैंड में चूंकि प्रभाव था उदारवाद का, इंग्लैंड का जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के चिंतकों में तीन नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं। उनमें सबसे पहला नाम तो ग्रीन का ही आता है, फिर उसके बाद दो अन्य विचारक जो हैं, इनमें ब्रेडले और बोशांग के भी प्रमुख हैं। ऐसा कहा जाता है कि ग्रीन का ये जो कॉकटेल है, उदारवाद प्लस आदर्शवाद का जो मिश्रण है, इसको संज्ञा दी जाती है उदार आदर्शवाद की।
उदार आदर्शवाद की संज्ञा दी जाती है, यानी ग्रीन का जो विचार है उदार आदर्शवादी विचार है। ग्रीन ने उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन किया। उदारवाद का यानी इसका मतलब हुआ कि उदारवाद का आदर्शवादी संशोधन दोनों के तत्वों को, दो विरोधी विचारधाराओं को एक साथ मिलाता है ग्रीन, और यही उसकी महानता है। इसी कारण इसको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के तीन प्रमुख चिंतकों में शामिल किया जाता है। ब्रेडले बोशांके के साथ जो है ग्रीन को भी शामिल किया जाता है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विचारकों में। सेबाइन कहते हैं कि इसी विचार को सेबाइन ने एक कथन के रूप में व्यक्त किया है। सेबाइन ने कहा है कि उदारवाद का आदर्शवाद के रूप में, उदारवाद का आदर्शवाद के रूप में सबसे प्रभावी संशोधन किसने किया है? सबसे प्रभावी संशोधन ग्रीन ने किया है, सबसे प्रभावी और सफल संशोधन, सबसे प्रभावी व सफल संशोधन ग्रीन ने किया है। ये विचार है सेबाइन के। सेबाइन कहता है कि ग्रीन ने उदारवाद का आदर्शवाद में सबसे प्रभावी और सफल संशोधन किया है। ग्रीन अपने उदारवाद में संशोधन करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति जो है मूलतः सामाजिक प्राणी है। तो व्यक्ति क्या है? सामाजिक प्राणी है, यानी वह समाज के बिना नहीं रह सकता, समाज उसके लिए जरूरी है। व्यक्ति के बारे में ग्रीन के विचार थे कि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। और इसके बाद ग्रीन जो है उदारवाद में संशोधन करते हुए कल्याणकारी राज्य के विचार प्रस्तुत करते हैं। उदारवाद चूंकि कल्याणकारी राज्य की बात नहीं करता, राज्य को दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। एक कल्याणकारी राज्य होता है और एक राज्य होता है नकारात्मक राज्य। नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक राज्य का मतलब होता है कि राज्य का काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस और आर्मी, ये दो काम महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कानून व्यवस्था बनाएगा और बाहरी शत्रुओं से रक्षा करेगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता में जो भी अवरोध आते हैं सिर्फ उनको हटाएगा, इसलिए नकारात्मक राज्य। सकारात्मक राज्य व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करता है और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, उन्हें शिक्षा प्रदान करता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं देता है। सकारात्मक राज्य की कोशिश होती है कि गरीबी दूर हो, सबको रोजगार मिले। तो ये अंतर होता है सकारात्मक राज्य तथा नकारात्मक राज्य में। तो सकारात्मक राज्य को कल्याणकारी राज्य भी कहा जाता है। तो ग्रीन जो है कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक हैं। ये मुख्य प्रतिपादक हैं, जोर शोर से बात करते हैं कल्याणकारी राज्य की, कि राज्य को नागरिकों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। फिर इसके विचारों में अंतर्राष्ट्रीयतावाद का भी पुट आता है। अंतर्राष्ट्रीयवाद का मतलब ये हुआ कि सभी देशों को शांति सहयोग से रहना चाहिए, आपस में युद्ध नहीं करना चाहिए। ग्रीन जो है अंतर्राष्ट्रीयतावादी हैं, और युद्ध जो है मानव की नैतिकता में कमी को दर्शाता है, ऐसा इन्होंने माना। अब चूंकि उदारवादी के साथ साथ ये आदर्शवादी भी हैं, तो इन पर जो है ग्रीक युगीन विचारक प्लेटो, जब भी आदर्शवाद का नाम आता है तो दो नाम सबसे पहले आते हैं, प्लेटो और अरस्तु। इन दोनों का प्रभाव भी जो है परिलक्षित होता है। इसके अलावा एक अन्य विचारक थे जर्मनी के, जिनका काफी बड़ा प्रभाव है ग्रीन पर, कांट।
कांट का विचारों में हम देखें तो कांट कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है, यानी ये राज्य को प्राथमिक नहीं मानते, हालांकि आदर्शवादियों में गिनती होती है, लेकिन ये कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं में साध्य है और ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। व्यक्ति को साध्य मानने के साथ साथ व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ? राज्य का निर्माण मनुष्य ने किया। राज्य का निर्माण किसने किया? तो राज्य का निर्माण किया मनुष्य ने। तो ये सभी विचार ग्रीन के विचारों में भी परिलक्षित होते हैं। इसके अलावा ग्रीन कहते हैं, व्यक्ति को ग्रीन ने सामाजिक माना, हमने देखा सामाजिक माना था, तो सामाजिक के साथ साथ ग्रीन के अनुसार व्यक्ति सामाजिक है और सामाजिक के साथ साथ नैतिक भी है। सामाजिकता और नैतिकता दोनों व्यक्ति के गुण हैं, ग्रीन ऐसा कहता है। अब हम देखते हैं कि ग्रीन का राज्य का विचार कैसा है। ये एक ओवरव्यू हुआ उनके विचारों का। अब धीरे धीरे एक एक करके चीजें देखते हैं कि ग्रीन का जो राज्य का विचार है, ग्रीन का राज्य कैसा है। राज्य के कई प्रकार हमने देखे, आंगिक प्रवृत्ति, मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ स्टेट। तो उसी क्रम में ग्रीन कहते हैं कि राज्य जो है, राज्य की प्रकृति जो है वो आंगिक है। आंगिक का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार अनेक हमारे अनेक अंगों से हाथ पैर नाक कान मुंह इत्यादि से मिलकर एक शरीर बनता है, उसी प्रकार व्यक्तियों से मिलकर के राज्य का गठन होता है, यानी कि राज्य जो है एक आंगिक संगठन है। और राज्य का मुख्य कार्य क्या है? राज्य का कार्य बताते हैं ग्रीन कि इसका मुख्य काम है मनुष्य के जीवन में जो बाधाएं आती हैं, मनुष्य जीवन में आने वाली बाधाओं को हटाना। मनुष्य के जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं उन सबको हटाने का कार्य कौन करता है? राज्य। बाधाओं को डिस्क्राइब करते हुए ग्रीन कहता है कि बाधाएं वे चीज हैं जो मनुष्य को नैतिक बनने से रोकती हैं। बाधाएं व्यक्ति को नैतिक बनने से रोकती हैं, नैतिक बनने से रोकती हैं। और इनमें किस 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 को शामिल करता है? ग्रीन कहता है कि इन बाधाओं में सबसे पहला आता है अशिक्षा। अशिक्षित व्यक्ति को तो नैतिकता के बारे में ग्रीन कहता है पता नहीं होता, तो इसलिए वह नैतिक बनने से रुकता है। और अशिक्षा में ही फिर हम अज्ञान को शामिल कर सकते हैं, अशिक्षा अज्ञान। फिर दूसरी चीज है गरीबी। कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला, यानी जिस व्यक्ति का पेट ही नहीं भरेगा वो नैतिकता की बात कहाँ से सोचेगा। सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। तो गरीबी दूर हो, लोगों के पास उसकी आवश्यकता के लिए जरूरत की जो चीजें हैं उनकी कमी न हो। और तीसरी बात, तीन कारण मुख्यतः, तीन बाधाएं की बात करते हैं ग्रीन। तीसरा कारण है नशाखोरी, या शराब पीना। ये तीन चीजें हैं। नशाखोरी में चूंकि इंसान का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, तो इसलिए वह नैतिकता की बातें सोच भी नहीं पाता कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। तो इसलिए अशिक्षा और अज्ञान की अवस्था, गरीबी की अवस्था और नशाखोरी, इन तीन, ये तीन चीजें हैं जो मनुष्य को अनैतिक बनाती हैं या नैतिक बनने से रोकती हैं। तो राज्य लोगों को शिक्षा प्रदान करें, उनकी गरीबी दूर करें और शराब बंदी करें या नशाखोरी के जितने भी साधन हैं उन सब पर प्रतिबंध लगाए, तो राज्य जो है व्यक्ति को नैतिक बनाने में सहयोग कर सकता है। ये है ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य। इससे आगे ग्रीन कहते हैं कि राज्य जो है
राज्य व्यक्ति की चेतना का, व्यक्ति की चेतना का बाहरी विस्तार है। हमने लगभग आदर्शवादी विचारकों में देखा कि वे जो है एक अमूर्त विचार से अपना चिंतन प्रारंभ करते हैं। जैसे हीगल हमने पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि हीगल तर्क या निरपेक्ष विचार को महत्व देते हैं और उसी को फिर जो है राज्य के रूप में उसका तर्क का प्रकटीकरण का सिद्धांत देते हैं। उसी प्रकार ग्रीन जो है चेतना की बात करते हैं, सामान्य चेतना, फिर व्यक्ति की चेतना, और व्यक्ति की चेतना का बाहरी विस्तार है राज्य। व्यक्ति की चेतना विस्तारित रूप में जो है राज्य का रूप ले लेती है, यानी जो तर्क या निरपेक्ष विचार का तत्व हीगल में था, वो चेतना का तत्व वही जो है ग्रीन के शब्दों में, वो उसके लिए चेतना या सामान्य चेतना शब्द का प्रयोग किया गया है। सामान्य चेतना, फिर व्यक्ति की चेतना, और व्यक्ति की चेतना का विस्तार होकर के वह राज्य में परिणत हो जाती है। तो ये जो है ग्रीन के अनुसार व्यक्ति की चेतना का बाहरी विस्तार ही जो है वह राज्य है। फिर ग्रीन कहता है कि राज्य जो है शक्ति के आधार पर गठित करके नहीं बनाया जा सकता, जबकि यदि व्यक्तियों की इच्छा हो संगठित होने की, तभी राज्य का गठन हो सकता है। यानी राज्य का आधार जो है ग्रीन के अनुसार, राज्य का आधार शक्ति नहीं है। शक्ति ना होकर के इच्छा है। इच्छा के आधार पर ही राज्य का गठन होता है, राज्य इच्छा पर ही आधारित होता है। अनेक चिंतकों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई बताया, लेकिन ग्रीन जो है इससे उलट कहते हैं कि राज्य क्या है। तो ग्रीन के अनुसार राज्य एक आवश्यक अच्छाई है। आवश्यक अच्छाई क्यों है? क्योंकि ग्रीन कहते हैं कि जैसा हमने देखा कि राज्य के व्यक्ति के नैतिक बनने में जो बाधाएं आती हैं, उन सबको दूर कौन करता है? राज्य करता है। व्यक्ति का ज्ञान शिक्षा कौन दूर करता है? राज्य करता है। व्यक्ति की गरीबी दूर करने में सहयोग कौन करेगा? तो ग्रीन के अनुसार राज्य सहयोग करेगा। और फिर व्यक्ति का जो है नशा मुक्ति कहीं या शराबखोरी से मुक्ति के प्रयास भी राज्य करता है। ये जो तीन बाधाएं हैं व्यक्ति के नैतिक बनने में, इनको अगर दूर करता है तो ग्रीन कहता है कि ये आवश्यक अच्छाई है, आवश्यक बुराई नहीं है। फिर इससे आगे ग्रीन कहता है कि राज्य के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो व्यक्ति को नैतिक बना देगा। ये सिर्फ नैतिक बनने की परिस्थितियां उपलब्ध बनाता है, करता है। नैतिक बनाने की बजाय राज्य नैतिक बनाने की बजाय नैतिक बनने की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है, यानी कि उसके लिए प्रयास करता है, उसकी गरीबी दूर करता है, उसको रोजगार दिला करके और शिक्षा के साधन उपलब्ध करा करके उसका अज्ञान दूर करता है, शराब इत्यादि पर प्रतिबंध लगा करके नशाखोरी दूर करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार राज्य जो है ये नैतिकता की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है कि यदि व्यक्ति इन परिस्थितियों के अनुसार रहे तो वह जो है नैतिक बन सकता है। राज्य व्यक्ति को नैतिक बनाने की बजाय नैतिक बनने की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। तो ये था ग्रीन का राज्य के बारे में विचार। अब संप्रभुता का विचार यदि हम देखें, सोवरेनिटी या संप्रभुता, जैसा कि आपने रूसो में देखा होगा, रूसो सामान्य इच्छा की बात करता है, सामान्य इच्छा को ही सब कुछ मानता है, वैसे ही ग्रीन का विचार भी चेतना के इर्द गिर्द घूमता है। तो रूसो की भांति, यानी रूसो की सामान्य इच्छा की भांति,
ग्रीन क्या करता है, ग्रीन ने बल दिया है सामान्य हित की, सामान्य चेतना पर। हमने बात की थी चेतना की, चेतना जो है सामान्य हित की, सामान्य चेतना। ये सामान्य चेतना ही विचारों का प्रारंभिक बिंदु है ग्रीन की। सामान्य चेतना की बात करता है ग्रीन और कहता है कि सामान्य हित की सामान्य चेतना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। फिर आगे ग्रीन कहता है, यानी इसके जो संप्रभुता के विचार हैं, इसमें एक तो रूसो का तत्व पाया जाता है और रूसो के साक्षात ही ग्रीन की संप्रभुता, ये भी एक तरीके से कॉकटेल ही है, जैसे उदारवाद और आदर्शवाद का संयम संयोग या मिश्रण पाया जाता है, उसी प्रकार ग्रीन की संप्रभुता को जो है हम, ग्रीन की संप्रभुता है सामान्य हित की सामान्य चेतना। फिर इसमें दो विचारकों का मिश्रण पाया जाता है, एक तो रूसो का और दूसरे एक प्रमुख विचारक हुए ऑस्टिन का। इन दोनों की संप्रभुता का मिश्रित रूप जो है वो है ग्रीन की संप्रभुता। स्वतंत्रता के बाद संप्रभुता, हम देखते हैं कि संप्रभुता के बारे में ग्रीन क्या कहता है। उदारवादी विचारकों ने क्या कहा कि स्वतंत्रता मूलतः है प्रतिबंधों का अभाव है, या व्यक्ति पर कम से कम प्रतिबंध लगे, कम से कम उसे रोका टोका जाए तो वह स्वतंत्र है। लेकिन ग्रीन के अनुसार ये स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है। स्वतंत्रता में भी वह जो है सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। वो कहता है कि जैसे कोई व्यक्ति सुंदर है, सुंदरता का मतलब होना ये नहीं है कि वह कुरूप, सिर्फ इतना नहीं है कि वह कुरूप नहीं है, यानी कुरूपता एक अलग श्रेणी है और सुंदरता एक अलग श्रेणी है, एक अलग भाव है। तो हम कह सकते हैं कि कोई सुंदरता और कुरूपता के बीच एक अन्य स्थिति भी आती है। तो जो व्यक्ति कुरूप नहीं है वह सुंदर है ऐसा जरूरी नहीं है, वो बीच की श्रेणी का भी हो सकता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के प्रतिबंधों का अभाव है वह स्वतंत्र है ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्वतंत्रता को भी नैतिकता से जोड़ता है ग्रीन। किस प्रकार जोड़ता है? ग्रीन कहता है कि मानव चेतना, मानव चेतना को क्या चाहिए? मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। मानव चेतना की इच्छा है स्वतंत्र होना। अब स्वतंत्रता के लिए ग्रीन कहता है कि स्वतंत्रता के लिए अधिकार जरूरी है। इस पूरे सेंटेंस में जो है हम कह सकते हैं कि ग्रीन का अधिकांश चिंतन निहित है। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है और स्वतंत्रता में अधिकार निहित है। अधिकार कौन देगा? राज्य। तो अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यानी राज्य होगा तभी अधिकार मिल पाएगा। ये ग्रीन के विचारों को समाहित करने वाली एक पंक्ति है। इसमें कहें कि लगभग ग्रीन समा जाता है, यानी स्वतंत्रता मानव चेतना में अंतर्निहित है और स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है। स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है और अधिकार राज्य के बिना संभव नहीं है। इसी बात को बारकर ने भी दोहराया है। बारकर भी कहता है कि स्वतंत्रता मानव चेतना में समाहित है और स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है। स्वतंत्रता कब मिलेगी? जब व्यक्ति के पास अधिकार होंगे। और अधिकार कब मिलेगा? जब अधिकारों को प्रदान करने वाली कोई संस्था होगी या राज्य समाज, उन्हीं से तो अधिकारों की मांग की जाएगी। यानी अधिकार राज्य में ही संभव है, राज्य के बिना ये संभव नहीं है। स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए ग्रीन कहता है कि करने योग्य कार्य, यानी वो नकारात्मक स्वतंत्रता की बात नहीं करता, सिर्फ प्रतिबंधों के अभाव की बात नहीं करता है।
प्रतिबंधों के अभाव से आगे जाकर के वो कहता है कि करने योग्य कार्य, करने योग्य व भोगने योग्य कार्य, करने योग्य कार्य तथा भोगने योग्य कार्य और साझे रूप में किए जा सकने वाले कार्य, ऐसे काम जो साझे रूप में किए जा सके, इनको करना ही, यानी ऐसे काम करना जो किए जा सके, भोगे जा सके, ये साझे रूप में एक साथ मिलकर के किए जा सके, उनको करना ही स्वतंत्र रहता है। साझे रूप से किए जा सकने वाले कार्य को करना, ये ही ग्रीन के अर्थों में स्वतंत्रता है। यह ग्रीन की परिभाषा है स्वतंत्रता के बारे में, और इस संकल्पना को कहा जाता है सकारात्मक स्वतंत्रता। यानी ये सिर्फ इतना ही नहीं मानती कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, ये उन कामों को भी डिस्क्राइब करती है जो स्वतंत्रता में किए जाते हैं, यानी करने योग्य, भोगने योग्य और साझे रूप से किए जाने वाले। नैतिकता से ये जोड़ता है ग्रीन, अनैतिक कर्म को इसमें शामिल नहीं करता। नैतिकता से जुड़े हुए कर्म यानी सकारात्मक स्वतंत्रता की बात ग्रीन करता है। ये था ग्रीन का स्वतंत्रता का विचार। इन शॉर्ट हम समझ रहे हैं, अधिकारों की बात यदि हम करें तो ग्रीन के अनुसार ग्रीन क्या कहता है अधिकारों के बारे में, उसको हम जरा समझ लेते हैं। आपने देखा कि ग्रीन कहता है कि स्वतंत्रता अधिकारों के बिना संभव नहीं है, और अधिकार कब मिलते हैं, राज्य से मांग करने पर। तो यानी अधिकार राज्य से मांग की जाएगी तभी अधिकार मिलेंगे। तो ग्रीन कहता है कि अधिकार क्या है, क्या है, पहली बात ये नैतिक दावे हैं व्यक्ति के, व्यक्ति के नैतिक दावे हैं, और इनको समाज द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए। वही करने योग्य कार्य भोगने योग्य काम की बात यहां आ जाती है। नैतिक दावे होने के साथ साथ समाज द्वारा भी स्वीकृति इनको होनी चाहिए, समाज द्वारा भी स्वीकार करने चाहिए, और फिर इसके बाद रक्षा, इनकी रक्षा कौन करेगा, राज्य द्वारा। यानी अधिकार का पूरा प्रक्रम यदि हम देखें तो ये व्यक्ति के नैतिक दावे हैं। व्यक्ति कुछ मांग करता है राज्य से, राज्य से मांग करता है, वह मांग नैतिक होनी चाहिए, अनैतिक नहीं होनी चाहिए। अनैतिकता की कंडीशन बताता है ग्रीन की उन परिस्थितियों में व्यक्ति अनैतिक होता है, तो वैसी अनैतिक मांगे ना होकर के नैतिक दावे होने चाहिए। फिर दूसरी शर्त जो है ये समाज द्वारा भी स्वीकृत होने चाहिए। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में व्यक्ति रहता है, वह उसे स्वीकार करे, नैतिक दावे हों, समाज भी स्वीकार करे। समाज स्वीकार करने के बाद राज्य इनकी रक्षा करने को तैयार हो जाए कि हाँ हम नागरिकों को ये अधिकार देते हैं और इनके उल्लंघन होने पर इनके उल्लंघन को हम रोकेंगे, या राज्य की मशीनरी जो है इनके उल्लंघन को रोकेगी। तो वह जो है विचार या चीज वस्तु राज्य का अधिकार का रूप ले लेती है। आपने लोक में प्राकृतिक अधिकार का विचार सुना था, यहां ग्रीन भी प्राकृतिक अधिकार की बात करता है। ग्रीन भी प्राकृतिक अधिकार की बात करता है, लेकिन ग्रीन का प्राकृतिक अधिकार जो है लोक से थोड़ा अलग है। लोग तो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास जो अधिकार थे वो प्राकृतिक अधिकार थे। यहां ग्रीन उस परिभाषा को बदल देता है। ग्रीन कहता है कि प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक किस लिए हैं, क्योंकि वो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए जरूरी है।
लोग तो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में जो अधिकार प्राप्त हैं वे प्राकृतिक अधिकार हैं, जबकि ग्रीन कहता है कि व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए जो अधिकार जरूरी हैं। व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए जो अधिकार जरूरी हैं वे अधिकार व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए जरूरी जो अधिकार हैं वे प्राकृतिक अधिकार हैं। ग्रीन और लोक के विचार में ये मतभेद का बिंदु आपने देखा प्राकृतिक अधिकारों के विचार के बारे में। फिर ग्रीन कहते हैं कि अधिकार जो है फिक्स नहीं है, यानी समय काल के अनुसार स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। अधिकार जो है परिवर्तनशील है, किसी परिस्थिति में कोई मांग अधिकार का रूप ले लेती है, किसी परिस्थिति में ये नहीं होती। जैसे हम देखें कि किसी जमाने में, हालांकि भारत में तो शुरू से ही महिलाओं को मतदान का अधिकार है, लेकिन पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं था। वहाँ महिलाओं को मताधिकार जो है वो एक लंबी प्रक्रिया या लंबे संघर्ष के बाद मिली। तो जिस जमाने में महिलाओं को अधिकार नहीं थे, मतदान का अधिकार नहीं था, उस जमाने में ये नहीं समझा जाता था कि महिलाओं को मतदान करने भी दिया जाए या उसकी कोई ज़रूरत है। लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी तर्कपरकता विकसित हुई और वह मांग विकसित हुई। मांग विकसित होने के बाद उस मांग ने एक बड़े समुदाय में उस मांग उठी, बड़े समुदाय द्वारा बड़े पैमाने पर उस मांग को उठाया जाने लगा। फिर राज्य के समक्ष वह मांग ले जाई गई, राज्य ने विचार किया, सोचा समझा और फिर महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। इसी क्रम को भारत में महिलाओं को संपत्ति में जो बराबर की हिस्सेदारी का अधिकार दिया गया है उसके बारे में भी हम ऐसा ही सोच सकते हैं कि पैतृक संपत्ति में पहले अधिकार नहीं था, फिर बाद में जो है महिलाओं ने संघर्ष किया और फिर इनको पैतृक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदार दिया। या और जो अधिकारों के नए नए कंसेप्ट आ रहे हैं, जैसे पर्यावरणीय अधिकार, समलैंगिक अधिकार, ये हाल फिलहाल की उपज है। पहले इन अधिकारों के बारे में सोचा भी नहीं जाता था। यानी अधिकार जो है समय के साथ विकसित होते रहते हैं। समय के साथ कुछ अधिकार हो सकता है गौण हो जाएं या लुप्त हो जाएं, और हो सकता है कुछ नए अधिकार जो हैं उत्पन्न हो जाएं, कुछ नए अधिकार अस्तित्व में आ जाएं, उनकी मांग उठे और मांग राज्य द्वारा स्वीकार कर ली जाए। तो ग्रीन कहते हैं कि अधिकार स्थायी नहीं है, ये समय के साथ बदलते रहते हैं। साथ ही अधिकार क्या है, सामाजिक परिस्थितियां हैं, क्योंकि राज्य का मुख्य काम क्या स्वीकारता है। ग्रीन कहता है कि राज्य का मुख्य काम है व्यक्ति को नैतिक बनाने की परिस्थितियां उपलब्ध कराना, और राज्य अधिकार भी राज्य द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। तो अधिकार भी सामाजिक परिस्थितियां हैं जो नैतिक व्यक्ति को नैतिक बनाने में सहयोग करती हैं, व्यक्ति को नैतिक बनाने में सहयोग करने वाली ये परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं। ग्रीन के अधिकार जो है, हमने देखा कि यहां तक व्यक्तिवाद की झलक मिल रही है, अधिकार की बात कर रहा है, स्वतंत्रता की बात कर रहा है ग्रीन। लेकिन फिर आगे वो कहता है आदर्शवाद कहाँ दिखाई देता है कि अधिकार ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जन्म लिया और उसे अधिकार मिल गए, अधिकार तो राज्य द्वारा ही दिए जाएंगे। यहाँ भी हमने देखा कि समाज से स्वीकृत और राज्य द्वारा ही दिए जाएंगे या समाज द्वारा ही दिए जाएंगे। तो इन बातों में और इनमें यहाँ जो है आदर्शवाद दिखलाई देता है उसका। आदर्शवाद का मतलब होता है दो विरोधी विचारधाराएं हैं, उदारवाद में व्यक्ति प्रधान होता है, व्यक्ति प्रधान चिंतन है उदारवाद, और आदर्शवाद में व्यक्ति को द्वितीयक माना जाता है, राज्य प्रधान चिंतन है आदर्शवाद। तो हमने देखा कि ग्रीन के चिंतन में व्यक्ति की भी प्रधानता है, व्यक्ति को भी महत्व दिया गया है, और फिर राज्य समाज को भी महत्व दे करके वह दोनों चिंतनों का एक आदर्श मिश्रण प्रस्तुत करता है। ग्रीन कहता है कि अधिकार और जो है राज्य समाज ही स्वीकार करेगा, राज्य समाज द्वारा दिए जाएंगे,
और ये राज्य इनके विरुद्ध नहीं, ये इनके विरुद्ध नहीं है, चूंकि इनके द्वारा दिए गए हैं तो इनके विरुद्ध कैसे हो सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि ये राज्य समाज द्वारा दिए जाते हैं और इनके विरुद्ध नहीं है। ये थे अधिकारों का विचार ग्रीन का। फिर ग्रीन का अगला प्रमुख विचार आता है अंतर्राष्ट्रीयतावादी। अपने अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचारों में ग्रीन जो है पहली आलोचना करता है हीगल की। हीगल के राष्ट्रवादी विचारों को वो जो है अस्वीकार कर देता है। राष्ट्रवादी विचार नकार देता है, अस्वीकार कर देता है। फिर आगे हीगल के अंतर्राष्ट्रीय सॉरी ग्रीन के अंतर्राष्ट्रीयतावाद के बारे में वेपर एक कमेंट करता है। वेपर कहता है कि ग्रीन ने उदारवाद को नैतिक और आदर्शवाद को सभ्य बनाया। ग्रीन ने उदारवाद को नैतिक बनाया। वह आदर्शवाद को सभ्य बनाया। अब ऐसा ये कथन है वेपर का। ऐसा वेपर क्यों कहता है कि उदारवाद में चूंकि हमने देखा व्यक्ति प्रधान था, एक व्यक्ति गरीब है एक व्यक्ति अमीर है, उनमें सामाजिक असमानताएं कितनी हैं, उनको दूर करने का उदारवादी चिंतन में कोई लेना देना नहीं था। तो प्रारंभिक उदारवाद मूल होता है उदारवाद जो है उसमें सब अलग अलग हैं, व्यक्ति अणु की भांति है, किसी से किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो उस बात को से आगे जाते हुए ग्रीन जो है नैतिक बनाता है, व्यक्ति को नैतिक पर बनाने की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। इसके उलट आदर्शवाद में क्या था कि राज्य ही सब कुछ था, व्यक्ति इंडिविजुअल को क्या परेशानी हो रही है उससे कोई लेना देना नहीं था, उसकी स्वतंत्रता भंग हो रही है, उसे अधिकार नहीं मिल रहे हैं, वह जो है गरीबी में है, चूंकि गरीबी तो दूर करने का प्रयास करता है, लेकिन अधिकार स्वतंत्रता इत्यादि का ध्यान आदर्शवादी राज्य में बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था। राज्य की आज्ञा पालन ही नागरिकों का एकमात्र धर्म था, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। तो यहां जो है स्वतंत्रता और अधिकार दोनों को समाहित कर देता है। फिर हीगल क्या करता था, हीगल ने कहा था कि युद्ध नैतिक है। हीगल ने युद्ध को नैतिक बताया और नैतिक बताते हुए उसने कहा था कि दो वैकल्पिक दावों का समाधान करता है युद्ध। लेकिन ग्रीन ने कहा कि ऐसा नहीं है, युद्ध कब होते हैं इसको नकारते हुए ग्रीन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध का मतलब है कि मनुष्य नैतिक नहीं है। युद्ध कब होगा, मानवीय नैतिकता में यदि कमी आएगी, मानवीय नैतिकता में कमी की वजह से ही युद्ध होता है। सॉरी पेन जो है थोड़ा खत्म हो गया, चेंज कर लेता हूं मैं। ग्रीन कहता है कि युद्ध का कारण होता है मानवीय नैतिकता में कमी। हीगल युद्ध को नैतिक बताता है, इसके उलट ग्रीन कहता है कि मानव नैतिक नहीं, युद्ध करना यह दर्शाता है कि मानव अनैतिक है। और युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध ग्रीन के अनुसार अपूर्ण है। हीगल तो कहता है कि दो वैकल्पिक दावों का समाधान है युद्ध, लेकिन आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान तीन तीन चार चार लड़ाइयां कर चुके हैं और रोज आए दिन छद्म युद्ध चलते ही रहते हैं। लेकिन क्या किसी दो वैकल्पिक दावे कश्मीर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का समाधान युद्ध आज तक दे पाया,
भारत चीन के बारे में भी देखें, इन दोनों के बीच भी युद्ध हो चुका है। क्या वैकल्पिक दावे का समाधान दे पाया है युद्ध? तो इस दृष्टि में ग्रीन कहता है कि युद्ध कोई समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध अपूर्ण है और ये मानवीय नैतिकता में कमी को दर्शाता है। और मानव जब पूर्ण रूप से नैतिक हो जाएगा, मानव जब नैतिक हो जाएगा तो युद्ध नहीं होगा। मानव में जब पूर्णता नैतिक विकसित हो जाएगी तो युद्ध नहीं होगा, ऐसा ग्रीन का विचार है। तो ये थे थॉमस हिल ग्रीन। इसी के साथ अगले वीडियो में हम नए चिंतक मार्क्स बाबा के साथ जो हम मुखातिब होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।